जिस तरह 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से तमाम खबरें सामने आने लगी थी और सुशांत के लिए जस्टिस फॉर एसएसआर ट्रेंड कर रहा था, वैसे ही अब राहुल वोहरा के निधन के बाद राहुल वोहरा के निधन से जुड़ी कई सच्चाई सामने आ रही है। कई खुलासे राहुल वोहरा के निधन पर भी हो रहे हैं और ये खुलासे कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल वोहरा की पत्नी यानी कि ज्योति तिवारी कर रही है। पहले पोस्ट के जरिए, फिर वीडियो के जरिए, अब एक बार फिर से राहुल वोहरा की पत्नी ज्योति तिवारी का एक नया पोस्ट सामने आया है और यहाँ पर इस पोस्ट में उन्होंने क्या क्या लिखा है और फैंस के क्या रिएक्शन है ज्योति तिवारी के इस पोस्ट पर, देखिए रिपोर्ट। राहुल वोहरा के निधन के बाद लगातार राहुल वोहरा की पत्नी ज्योति तिवारी अपने पति राहुल वोहरा के निधन पर इंसाफ की गुहार सोशल मीडिया पर लगातार लगा रही है, क्योंकि राहुल वोहरा का निधन किस वजह से हुआ ये बात हर कोई जानता है। अस्पताल की लापरवाही और प्रशासन का अनदेखा करना वाकई एक सबसे बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है, जिसके चलते आज राहुल वोहरा हम सब के बीच नहीं रहे। महज 35 साल की उम्र में राहुल वोहरा ने दुनिया को छोड़ दिया और ऐसे में राहुल वोहरा की पत्नी अब अपने पति के निधन के बाद सामने आई, जिन्होंने सिर्फ अपने पति के निधन की असली वजह नहीं बताई बल्कि उसकी सबूत के साथ वीडियो भी दिखाई, जिसमें किस तरह वो ऑक्सीजन के लिए पल पल तड़प रहे थे लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला या ऑक्सीजन देने वाला नहीं था। हॉस्पिटल का नाम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, लेकिन उसके बावजूद भी इस अस्पताल में राहुल वोहरा को कोई भी मदद नहीं मिली। जी हाँ, आपको बता दें कि इस दर्द भरी वीडियो को देखने के बाद अब एक बार फिर से सामने आई है राहुल वोहरा की पत्नी। राहुल वोहरा के निधन की खबर जब सामने आई तब उससे पहले राहुल वोहरा का एक फेसबुक का पोस्ट सामने आया था, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी से और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी से मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें वो मदद नहीं मिल सकी, जिसके बाद उन्होंने उसमें ये भी लिखा था कि उन्हें भी अगर अच्छा ट्रीटमेंट मिलता तो शायद आज वो हम सब के बीच होते। उनके निधन की खबर सामने आई तो प्रमिला दीक्षित का पोस्ट सामने आया कि मेरे पति के निधन की फेक न्यूज को मत फैलाओ, मेरे पति जिंदा है और वो जल्द ही वापस घर पे लौटेंगे। उसके बाद एक खबर फिर से सामने आई और वो खबर थी एक बार फिर से राहुल वोहरा को लेकर, जहां पर उनकी पत्नी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाई स्टोरीज और यहाँ पर अपने पति के लिए इमोशनल शब्द से भरे शब्दों को लिखती नजर आई। उन्होंने कहा कि मेरा राहुल मुझे छोड़कर चला गया, अपना साथ तोड़कर चला गया और उसके बिना अब मैं कैसे इस जिंदगी को जीऊंगी मैं नहीं जानती। लेकिन अब एक बार फिर से राहुल वोहरा के निधन के बाद सामने आई है एक बार फिर से राहुल वोहरा की पत्नी ज्योति तिवारी। ज्योति तिवारी ने एक बार फिर से अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने फिर से अपने पति राहुल वोहरा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें कही जिसे अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको भी रोना आ जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है। राहुल, बहुत सारे सपने अधूरे छोड़कर चले गए। राहुल, जिसे इंडस्ट्री में अच्छा काम करना था, खुद को साबित करना था, पर वो सब कुछ अधूरा रह गया। इस निधन का जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मेरे पति राहुल को तड़पता हुआ देखना अपनी आंखों के सामने सही समझा। हमें उनकी झूठी अपडेट देते रहे। मैं अकेली नहीं हूँ जो इस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। ऐसी हजारों ज्योति हैं जिनके राहुल को पुअर हेल्थ केयर सिस्टम ने छीन लिया। पता नहीं ऐसे लोग किसी को कैसे इस तरीके से तड़पता हुआ छोड़ देते हैं और छोड़कर कैसे चैन की नींद सो जाते हैं। #justiceforiRahulVohra I want you all to fight against this with closed hand emoji मेरे राहुल के लिए नहीं, अपने राहुल अपनी ज्योति के लिए इस लड़ाई में मेरा साथ दें। तो ये है वो पोस्ट जो एक बार फिर से राहुल वोहरा की पत्नी ज्योति तिवारी की सामने आई है। बता दूं कि राहुल वोहरा की पत्नी के इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कई लोगों की स्टेटमेंट सामने आई और इस पोस्ट के साथ ज्योति तिवारी ने एक कैप्शन भी दिया। ज्योति तिवारी ने लिखा, जस्टिस फॉर
एवरी राहुल हैशटैग जस्टिस को आई राहुल वोहरा। ये पोस्ट अभी एक घंटा पहले ही सामने आई है, लेकिन इसी पोस्ट के तुरंत बाद सामने आई एक और पोस्ट। ये पोस्ट है आलोक कुमार के नाम से, जो लिखते हैं, आई स्टैंड विद राहुल वोहरा एंड ज्योति तिवारी, यू शुड ऑल्सो स्टैंड विद इट। जी हाँ, वो कहते हैं कि मैं राहुल वोहरा उनकी पत्नी के साथ खड़ा हूँ और आप लोगों को भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल वालों ने अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाई है, उसके चलते वाकई काफी नुकसान ज्योति तिवारी को हुआ है। और ये नुकसान सिर्फ किसी की जाने का नहीं बल्कि किसी की जिंदगी का भी है, जो महज 35 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया, जहां पर अस्पताल के इस खौफनाक सच से रूबरू करवाया खुद राहुल वोहरा की पत्नी ज्योति तिवारी ने। अगर ये सच सामने ना आता तो शायद अस्पताल की सच्चाई और प्रशासन की सच्चाई और उन कर्मचारियों की सच्चाई सामने नहीं आ पाती, जहां पर राहुल वोहरा पल पल एक सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। बता दें कि राहुल वोहरा की पत्नी के साथ ये पहला कमेंट है। फिर दूसरा कमेंट आता है शहर अंजू का, जो लिखते हैं, हम सब आपके साथ हैं मैम, राहुल भाई के साथ जो हुआ, जिसकी वजह से हुआ, भगवान कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। उनके लिए किसी की सजा, एक ना एक दिन सजा जरूर मिलेगी। राहुल भाई की आत्मा को शांति मिले। तो ये भी था एक मैसेज जहां पर उन्होंने राहुल वोहरा की पत्नी का साथ देते नजर आए लोग, और जो कि सच भी है। ऐसे में राहुल वोहरा की पत्नी का साथ देना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलती किसी की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने यहाँ पर एक तो राहुल की कंडीशन पर कोई भी उनकी मदद नहीं करी, बल्कि वो अकेले थे, और ऐसे में उनकी पत्नी को लगातार झूठी तसल्ली देते रहे कि उनके पति ठीक है, उनके पति ठीक है, उनके पति ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे झूठ कहा गया कि उनके पति ठीक है, जिसके चलते उन्होंने पोस्ट किया कि मेरे पति ठीक है और उनके बारे में ऐसी गलत खबरें ना फैलाएं। लेकिन ये खबर सामने आने के बाद ज्योति तिवारी को पता चला कि अस्पताल वाले झूठी तसल्ली दे रहे थे उन्हें, उनके पति का तो निधन हो गया है। तो ये थी दर्द भरी खबर ज्योति तिवारी को लेकर। नेक्स्ट नाइट रोशनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट ज्योति तिवारी को लेकर और राहुल वोहरा के निधन को लेकर। आपका क्या कहना है? सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही राहुल वोहरा का केस भी अब उलझता सा जा रहा है, जहां पर एक तरफ उनकी पत्नी इंसाफ मांग रही है, लेकिन क्या सुशांत की ही तरह उनके पति राहुल वोहरा को भी इंसाफ मिल पाएगा? जिस तरह सुशांत का केस, अभी तक 11 महीने सुशांत के केस को हो चुके हैं, क्या राहुल वोहरा को भी इंसाफ दिलाने में कामयाब रह पाएगी उनकी पत्नी ज्योति तिवारी? सवाल कई सारे हैं, लेकिन केस इसी तरह सामने आते रहेंगे और आ भी रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ज्योति तिवारी अपने पति राहुल वोहरा को इंसाफ दिला पाएगी? और जिनकी लापरवाही की वजह से उनके पति की जान गई, तो क्या उन्हें सजा मिल पाएगी? क्या है आपकी राय, ये बताना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.